छोड़ा विज्ञान में होती गंजन वो लाइन है हम सबके लिए लाइन कभी ने लिखा है विज्ञान में होती तो हम तू न होते और आशीर्वाद मिला है परम से परम आदरणीय हम लोग के राइटर हम लोग के लेखक हम लोग के मार्ग है आप श्याम लाल कवि जी ये आपके तरफ से सम्मान किया गया बहुत बहुत शर्मिंदगी करता हूँ प्रणाम करता हूँ और जितने गुरुजन बिंद बैठे हुए हैं आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और अगल बगल से बिरहा में गीत संगीत का आनंद ले रहे आप सभी श्रोता सज्जनों को बहुत बहुत नमस्ते प्रणाम सलाम करता हूँ लाइन पे विचार करेंगे अरे विज्ञान होती तो हम तू न होते हाँ विज्ञान होती तो हम तू न होते रिश्ता नाता जहान मोरेंगे तो रिश्ता नाता जहान मोरेंगे तो हमारे दोनों कवि जो आदरणीय है पूजनीय है वंदनीय है वास्तव में चाहे स्वर्गीय राम फिर गुरु रहे हो चाहे हमारे स्वर्गीय देवकी नंदन कवि जी रहे हो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ ये हमारा अखाड़ा जान जा कि छोटे खड़े करिएगा भैया लगन गुरु अखाड़े करिए बापे बाप सबसे बड़ी दिक्कत देखा मैं तैयारी नहीं कर लिया बढ़िया से यानी दूसरे दल के लोग एक अखाड़े से बड़ा भयभीत होते थे लेकिन आज बड़ा ही सोच होता है या आखिरकार कारण क्या हुआ रीजन क्या बनी कि आज अखाड़ा हमारा त्रिपुर रसातल की तरफ चला गया और चाहे हम कलाकार हो चाहे हमारे गुरुजन वृंद हो सबको इस बात पर विचार करना होगा और जो गलतियां हमने की है और उस गलतियों को दोहराने की जरूरत नहीं है और मैं चाहता हूं और मैं खुद लगना चाहता हूं और लगा हुआ हूं कि जैसे हर अखाड़े को लोग जानते पहचानते हैं चाहे यूट्यूब के माध्यम से विराह के माध्यम से स्वर्गीय कवि देवकी नंदन जी का नाम ऊंचा हो स्वर्गीय राम फिर उस्ताद जी का नाम ऊंचा हो हमारे कवियों का नाम ऊंचा हो कलाकारों का नाम ऊंचा हो इसलिए हमें और आपको समाज में लगना पड़ेगा कुछ करना पड़ेगा कहना है क्या कहना है विद्या का कोई धर्म जाति नहीं विद्या का कोई धर्म जाति नहीं मिल जाए जिसको कोई बात नहीं प्रमाण स्वरूप चाहे सदा गुर घर हुआ एक कलप प्यारा चाहे सदा गुर घर हुआ एक कलप प्यारा उदरी नहीं बाल्यावस्था है और बाण विद्या सिखाने का काम कर रहे हैं एक जंगल में पहुंचते हैं और बड़े कष्ट की बात होती है कि एक अनुसूचित जनजात का बेटा जब ये इच्छा जाहिर करता है कि इस कला को मैं भी सीखूंगा और प्रमाण मिलता है जब होश संभाला है तो गुरु के दरवाजे तक पहुंचा है और जाकर के गुरु को साष्टांग प्रणाम किया है
और कहा गुरु जी हमहू बाल विद्या सीखत जात है। और निगाहें जब द्रोणाचार्य गुरु की पड़ती है, आवाज दिए कह रहे बेवकूफ कहां से आए हो, ये शायद तुम्हें मालूम नहीं, यह विद्या सबके लिए नहीं है, यह विद्या मात्र राजघरानों के लिए है। और प्रमाण मिलता है ढांक कर भगा देते हैं। मायूस सा चेहरा, मायूस चेहरा लेकर के जिनका नाम एकलव्य बताया गया, जंगल में आता है प्रमाण में जंगल में आया है। और इतनी आस्था है उस कला के प्रति, कितनी आस्था है गुरु के प्रति। और जब जंगल में आता है गुरु की मिट्टी की मूर्त बनाता है, साथियों प्रकृति की देन है, भगवान की ऐसी मर्जी हुई, बहुत बड़ा धनुर्धर निकला हुआ एकलव्य। और जब बहुत बड़ा धनुर्धर निकला, एक दिन की घटना है, कौन सी घटना है, विद्या दिए किया गया माननीय आप जनार्दन यादव जी, और संयोग से अपने गांव के प्रधान भी है। और मैं तो चाहता हूं भाई अखाड़े में ऐसे ऐसे लोग हो, कलाकार हो, प्रधान हो, महाप्रधान हो, विधायक हो। अभी देख रहे हैं यहां से, हमारे यहां से आजमगढ़ सदर सीट से अब दिनेश लाल यादव जी, निरहो जी जो सांसद हो गए, अच्छी बात है, स्टाफ के आदमी है। यहाँ हमको दल और पार्टी नहीं देखना है। तो माननीय प्रधान जी की तरफ से 51 रुपए का आशीर्वाद, बहुत बहुत नमस्ते, प्रणाम, सलाम भाव। और ध्यान रहे गीत पर, कहना है एक दिन की घटना है। कैसी घटना है, जंगल में हमारे कवि जी के आज 3 पुत्र हैं, आज इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और बहुत सुंदर कार्यक्रम आपने लगाया है, बहुत बढ़िया सोच है, यह होना चाहिए। अपने पिताजी की सोच को आगे बढ़ाते हुए, और एक सराहनीय कार्य है, हर साल यह गुरु पूर्णिमा के दिन कार्यक्रम इस बहलोलपुर की धरती पर होता है। तो चाहे मुन्ना भाई हो, चाहे भाई हो, आप बहुत बहुत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। कहना है जंगल पशुओं खेल से कपेला भर दे, तीर मार भर दे, तीर
जब उस जंगल में प्रवेश करते हैं साथ में कुछ शिकारी कुत्ते हैं। एक लव को काला कलूटा देख करके कुत्ते भौंकने लगे। प्रमाण मिलता है एक लव गुरु की मूर्ति बनाया है, नीचे बैठ करके गुरु की साधना कर रहा था, बगल में धनुष बाण रखा हुआ है, और जब कुत्ते भौंकने का काम करते हैं धनुष और बाण उठाया है। परम पूजनी महेंद्र गुरु जी के शिष्य है आप मानी जोगेंद्र यादव जी भाई की ओर से सम्मान किया गया। बहुत बहुत नमस्ते प्रणाम सलाम करता हूँ और विनती करता हूँ इस अखाड़े को आप लोग आगे ले चले ताकि अखाड़ा हमारा डेवलपमेंट हो। कितना देरी कितना समय है? और धीरे धीरे जब उसके पास में पांचों भाई पांडव हैं, द्रोणाचार्य जी हैं, पहुंचे हैं, और जब मूर्ति की तरफ इशारा पड़ती है, अर्जुन भी एक तक देख रहे हैं, एक लव से सवाल करते हैं द्रोणाचार्य, ए लड़के यह बाण विद्या तूने कहां से पाई है? ऐसी बात सुनने के बाद एक लव ने कहा इशारा करते हुए, ये हमारे गुरु हैं। मूर्ति की तरफ इशारा करता है, ये हमारे गुरु हैं। अर्जुन के जैसे हमारे पसीना चलत हो नहीं, हमसे ढेर उनके तरतर तरतर चले लगे। गुरु जी हम बतावा लो कि हमारे जो उनकी पक्का शिष्य हम, ये असली हम, ये प्रथम लोकेशन पर हम, हमसे बढ़िया तो ही जनात। अरे बाप रे बाप, अर्जुन की सारे सारे में बात होती है, नजर से नजर मिलल गुरु जी से, कहना क्या हो गुरु जी कहा, कहना कि हमारियों को समझ में ना आया, लेकिन चिंता मत करा, अगर समस्या है तो समस्या का निदान भी होई। एक लब से सवाल कर दिए, अगर तू हमारा शिष्य है, मैं तेरा गुरु हूं, अगर मैंने तुम्हें बाण विद्या सिखाया है तो आज तक गुरु दक्षिणा नहीं मिला। और गुरु दक्षिणा की जब बात सुना है एक लब हंसने लगा, कहा गुरु जी आप तो हमारे सर्वोपरि है, आदरणीय है, पूजनीय है, वंदनीय है, आपके लिए जान हाजिर है, क्या मांगना चाहते हैं दिल खोल करके मांग लीजिए। तो साथियों आखिरकार एक गुरु का शिष्य के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, आए थे शिष्य का कर्तव्य गुरु के प्रति क्या होते के चाहिए, आखिरकार गुरु को गुरु की गरिमा को कलंकित करते हुए द्रोणाचार्य ने आवाज दिया, अगर तुम हमें कुछ देना ही चाहते हो, तेरा जान नहीं चाहिए, अगर हमें कुछ देना ही चाहते हो तीन बच्चा बना लिए, कुछ देना ही चाहते हो तो अपने दाहिने अंगूठे को काट कर दे दो, यही मेरी दिली इच्छा है, और ये प्रमाण मिलता है। हंसते हंसते वह एक लव अपने दाहिने अंगूठे को काट करके गुरु को दक्षिणा स्वरूप दे दिया। तो ये रही हिंदू धर्म गुरुओं के धर्म की पराकाष्ठा, ये नीत रही देश के कुछ ठेकेदारों की। ए भैया आखिरकार मैं बताया कि एक गुरु की शिष्य के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए और एक शिष्य का गुरु के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, लेकिन अपने कर्तव्य को भूल गए, प्रधान जी अपने कर्तव्य को भूल गए कि आखिरकार सामने पांडव है, इनको क्या जवाब दूंगा। बात आगे बढ़ती है साथियों, आखिरकार होता क्या है, इस धरती पर एक मसीहा का अवतार हुआ, जन्म हुआ। मसीहा कौन से थे ठान आपका चाहूंगा, आइए अरे ढूढ़ाले एक कला को, ढूढ़ाले एक कला को, अरे बाबा अम्बेडकर बरस तक सारे लोग जानते हैं बिरहा, चूंकि मैं गाना बंद कर दिया था, लेकिन आज वो बिरहा जो बिरहा काफी थी जो गायब हो गई,
आज वो होश करके साला दिमाग वो खुला जाता है। एक बाप बारे देवकी नंदन जी का वह लेखनी वह बिरहा बारे राम फिर गुरु बारे गाजीपुर की धरती। और मैं आज भी देखता हूँ तमाम अखाड़े के कलाकार गाते हैं और जब उस गाने से पहली करता हूँ तो कोई मैच नहीं करता। वास्तव में लगे लगन गुरु घराना बहुत ही बिरहा के मामले में बड़ा ही अपने आप में एक हैसियत रखता था।